दफा के मामले में लिप्त डॉक्टर, आखिर क्यों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, अस्पताल के मरीजों के साथ हाथापाई करने वाले ऐसे अपराधी डॉक्टर को आखिर क्यों बचाया जा रहा है? शल्य चिकित्सक डॉक्टर पाटिल, हम इस मुद्दे पर जब शल्य चिकित्सक से चर्चा करने का प्रयास किया तो शल्य चिकित्सक साफ तौर पर डॉक्टर नेपाल सिंह बघेले जैसे 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम के तहत काम करने वाले कर्मचारी डॉक्टर को बचाते हुए नजर आए। इस पूरे मामले पर डॉक्टर पर मामला जो कि दर्ज हुआ है भारतीय दंड संहिता सेक्शन दफा 354A के तहत और दफा 323 के तहत जो कि 13 दिसंबर 2018 को FIR नंबर 0252 के तहत मामला दर्ज है। फिर भी शल्य चिकित्सक इस शराबी डॉक्टर को बचाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यधिकारी को अपनी ओर से सिफारिश का एक लेटर लिखते हैं जिसमें उन्होंने इस डॉक्टर को एक चांस और दे दिया जाए, ऐसा इन्होंने अपने इस रिपोर्ट में लिखा है। शल्य चिकित्सक को अपने इस पद का दुरुपयोग करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही। डॉक्टर पर मामला दर्ज है दफा 354A के तहत। बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर को आखिर क्यों बचा रहे हैं प्रशासन? इस पूरे मामले में दाल में कुछ काला है, ऐसा हमें तो लग रहा है। आइए देखते हैं, हमारे जब प्रतिनिधि ने इन्होंने संपर्क किया तो डॉक्टर पाटिल और डॉक्टर राउत दोनों ही गोंदिया के इस सरकारी अस्पताल से नदारद थे। देखते हैं शुभम नागपुरे की खबर। ऐसा है पर्सनल ओपिनियन कि ये बहुत गंभीर विषय है, किसी के भी फीमेल के साथ भी किसी ने भी छेड़छाड़ की थी, बहुत गंभीर विषय है। तो इस बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप डीसी जी से मिलिए, उसके बाद नहीं तो आपको कॉन्क्रीट डिसीजन होना चाहिए क्या कार्रवाई आप कर रहे हो, तो सीओ साहब भी आपको डिटेल बता रहे हैं। सर वही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी क्योंकि एक्चुअली कल अपन आया सीएस सर से मिला। सीएस सर ने डायरेक्ट बोल दिए कि हम ओपन कुछ नहीं कर सकते, पुलिस स्टेशन जाने बोले। हम गए उसी दिन, कल यहाँ से गया डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में अर्जुन मोर। तो वहाँ से बात हुई कि हम सिर्फ कार्रवाई कर सकते, डिसीजन हम नहीं ले सकते, वो भी नहीं ले, सीएस सर भी नहीं लेंगे डिसीजन। सही डिसीजन आपको सिर्फ सीओ साहब ही दे सकते, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट रहते हैं। जिला कार्यकारी समिति जो रहती है ना, जिला कार्यकारी वो आरोग्य कुटुंब कल्याण समिति, जो फ्रीजर रहता है उसको चेक कर लिए, कोई इसमें से पानी नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, आपके सामने है कि पानी नहीं आ रहा है। ये भी नल देखिए, कोई पानी नहीं आ रहा है। अभी KTL सुग्नालय में है और हम पाटिल सर से भी मिलने की कोशिश की है बट नहीं मिल पाए, सब मीटिंग में गए। बोले बंसोड़ सर से भी और उनके खिलाफ़, यानी कि बघेले सर जो है सड़क रजनी मोराव के डॉक्टर, उनके खिलाफ़ केस दायर किया गया था। तो उनके खिलाफ़ यानी कि मतलब हमने पूछने की बहुत कोशिश की कि उनका केस का कैसा, तो उन्होंने बताने से इनकार किया है। और कोई यहाँ भेज रहा है, कोई वहाँ भेज रहा है, कोई संजय बिसेन का नाम बता रहा है, डॉक्टर संजय बिसेन। तो और सबसे पहली बात हम KTS में आकर के देखे उसकी स्पेस के विषय में, तो हमने देखा कि यहाँ पे KTS में बहुत सारी कमियाँ, कम से कम हमने पूरे के पूरे जितने भी फ्रीजर लगे जिससे पानी आता है उनमें से एक बूंद पानी नहीं गिर रहा है। तो MNS न्यूज की टीम के साथ शुभम नागपुरे, धन्यवाद। आम आदमी सोच भी नहीं सकता, ऐसे सोचते हैं देश के कद्दावर नेता। भारत में लोकतंत्र है लेकिन पांचाली के वस्त्र हरण जैसे ही नेता इस लोकतंत्र को सरेआम बेआबरू कर देते हैं। आखिर क्यों? चुनाव हारने के बावजूद नेताओं की हालत पतली क्यों नहीं होती? लोकसभा और विधानसभा के नेताओं की पार्टी टिकट को लेकर क्यों लगती है धूम? फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद आप मेरे साथ देखेंगे पार्टियों के टिकट की इनसाइड स्टोरी।